कौन आ गया? हाँ क्या बात है। हेलो भैया, मुझे आपके इंटरनेट का वाईफाई का पासवर्ड चाहिए क्यों? था। वो तो मुझे प्रोजेक्ट करना है और जरूरी है। मेरे मोबाइल का नेट बहुत स्लो चल रहा है, अर्जेंट है थोड़ा। क्या आप दे सकते हैं वाईफाई पासवर्ड? है आ गई मेरा पासवर्ड लेने के लिए। जब बोला था कि वाईफाई कंट्री में ले लेते हैं तो बोली मुझे तो वाईफाई चाहिए ही नहीं, अब इसको वाईफाई चाहिए। इसको वाईफाई पासवर्ड दे दिया तो फिर सब पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। टीवी में अपडेट करना पड़ेगा, लैपटॉप में अपडेट करना पड़ेगा, दोनों मोबाइल में अपडेट करना पड़ेगा, टैब में अपडेट करना पड़ेगा। और मना कर दिया तो मुंह बन जाएगा, कंजूस कहीं की। भैया मैंने पासवर्ड मांगा आपसे, क्या सोच रहे हैं आप? दे सकते हैं आप? हाँ, लिख लो। यूज़ आर आईडी मनीषा मनी और पासवर्ड है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पड़ोसियों के इन सारी करतूतों से परेशान होके अपने वाईफाई का पासवर्ड चेंज कर रहे हो तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेकर आ गया आपका दोस्त मनी शेखर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। साथ में आपको मैं बताने वाला कुछ बोनस ट्रिक्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल में एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको सर्विसेज दिख जाएगी, वो व्यू डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। फिर अपने एक्सट्रीम फाइबर के कनेक्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको देखो गेट कंट्रोल विथ माई वाईफाई क्लिक करना है। फिर आप वाईफाई की सेटिंग में पहुंच जाइएगा। अंदर आप देख सकते हो कि आपका जो वाईफाई यूज हो रहा है उसका नाम लिखा हुआ है और डिटेल लिखा हुआ है, कितने डिवाइस कनेक्टेड है। तो आपको मेन वाईफाई के यूजर आईडी और पासवर्ड देने की कोई जरूरत नहीं है। एयरटेल ने इन पड़ोसी और गेस्टों से निपटने के लिए अलग ही यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने की व्यवस्था की है। इस सुविधा का नाम है गेस्ट वाईफाई। नीचे देखिएगा नो गेस्ट वाईफाई, मतलब वाईफाई गेस्ट वाईफाई का अभी तक सेटिंग नहीं हुआ है। तो सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको वाईफाई का नेम डालना पड़ेगा और पासवर्ड एंटर करके सेव करना पड़ेगा। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करोगे आपको एक्सटेंड वाईफाई 4 करके लिख के आएगा, जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। एक है फोर एवर, एक है 1 आर, 2 आर, 3 आर, ऐसे करके 23 आर्स तक के ऑप्शन मिलेंगे। मतलब कि आप कितने देर के लिए गेस्ट को वाईफाई कनेक्शन देना चाहते हो। तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको 1 आर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद उसको डन करता हूँ। तो चलो 1 आर मैंने सेलेक्ट किया और डन किया। सेटअप अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जल्दी वो सेटअप हो जाएगा और आपको एक मैसेज ऊपर डिस्प्ले होगा कि अपडेटेड सक्सेसफुली, जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये कंप्लीट होते ही नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा जिसपे लिखा है गेस्ट वाईफाई। वाईफाई अभी ऑफ है, आप चाहो तो उसको टर्न ऑन कर सकते हो। तो जब भी कोई गेस्ट आपके घर पर आता है और वाईफाई का पासवर्ड मांगता है तो आपको एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन करके माई वाईफाई में जाके और ये गेस्ट वाईफाई ऑन कर देना है। डिफ़ॉल्ट मैंने 1 घंटे का सेट किया था तो 1 घंटे का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे हो 59 मिनट्स और 33 सेकंड अभी दिखा रहा है और टाइमर स्टार्ट है। मतलब कि जैसे ये 1 घंटे कंप्लीट होंगे ये खुद ब खुद गेस्ट वाईफाई डिजेबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे ये दिखता है। अभी मैं वाईफाई पे आ गया हूँ, वाईफाई ऑन करता हूँ और देखता हूँ गेस्ट वाईफाई दिखता है कि नहीं। देखिए आप देख सकते हो गेस्ट एक यहाँ पे और गेस्ट 5G करके दो वाईफाई दिख रहे हैं आपको। अब फिर से गेस्ट वाईफाई में आते हैं और देखते हैं और ऑप्शंस को एक्सटेंड करके अनदर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके देखते हैं। आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक्सटेंड वाईफाई में वही ऑप्शन आ रहा है जिसमें मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप कितने घंटे के लिए वाईफाई देना चाह रहे हो। तो वाईफाई कनेक्शन आप 1 घंटे से लेकर 23 घंटे तक या हमेशा के लिए दे सकते हो। तो अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो, मान लो 1 घंटे आपने सेट किया था और 1 घंटा आउट बनाना चाहते हो, 1 घंटे आप इसमें करके बढ़ा सकते हो। आप जो भी ऑप्शन चूज करोगे उसके रिस्पेक्ट में टाइमिंग अपडेट हो जाएगा। अगर किसी कारणवश अगर आपके गेस्ट का काम 5 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया तो आप इमीडिएटली डिजेबल भी कर सकते हो डिजेबल ऑप्शन के। अगर किसी कारणवश आप डिजेबल करना भूल भी जाते हो तो क्योंकि ऑलरेडी आपने सेटिंग करके रखा है कि 1 घंटे बाद खुद ब खुद डिजेबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डिजेबल भी हो जाएगा। चलिए डिजेबल होने के बाद देख लेते हैं कि वाईफाई कनेक्शन अभी भी दिख रहा है या नहीं। चलिए वाईफाई में जाके देखते हैं। अभी आप देख पाओगे गेस्ट नाम का कोई वाईफाई नहीं है, ना गेस्ट दिख रहा है ना गेस्ट 5G दिख रहा है। तो मतलब ये डिजेबल सक्सेसफुली हो चुका है। अभी ना गेस्ट को दिखेगा ना वो आपका वाईफाई कनेक्ट कर पाएगा। आपको वाईफाई स्लो की समस्या आ रही है तो ऑप्टिमाइज करें अपने वाईफाई को। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो माई वाईफाई के पेज पे ही आपको रहना है और जो आपके वाईफाई का नाम है
उस पर जाके क्लिक करना है। जैसे मेरा मनीषा अंडरस्कोर मनी, उस पर जाकर मैं क्लिक किया और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जिसमें आपको ऑप्टिमाइज वाईफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्टिमाइज नाउ पे आपको क्लिक करना है। ये करने के बाद आपको एक मिनट तक वेट करना पड़ेगा, उस एक मिनट के ड्यूरेशन में आपका वाईफाई डिसकनेक्ट हो जाएगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक मिनट के बाद वाईफाई फिर से एस्टेब्लिश हो जाएगा और आपको एक ऑप्टिमाइज स्पीड मिलेगा, मतलब स्पीड आपको ज़्यादा हो सकता है अगर आपका स्पीड स्लो है तो। आप देख पाओगे जैसे ही ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट होता है तो आपको एक नए चैनल में शिफ्ट किया जाएगा जहाँ पे आपको अच्छी स्पीड मिलने वाली है। अभी ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो चुका है तो आप देख पाओगे एक वाईफाई का जो 2.4 GHz का बैंड था उसका पुराना चैनल एक था और नया चैनल भी एक ही है, क्योंकि उसमें आई थिंक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन 5 GHz का जो बैंड था उसके चैनल को चेंज किया गया है स्पीड को ऑप्टिमाइज करने के लिए। पहले चैनल था 161 और बाद में उसको 36 में चेंज किया गया है। इस तरह से आप अपने वाईफाई कनेक्शन को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। इस वीडियो में यही तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही जानकारी से भरे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।